हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ पनीर रोल रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल आसान है और बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा और साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। अगर आप मैदा खाना ना पसंद करें तो इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। और ये लीजिए सॉफ्ट डो लग के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और तब तक इसकी बनाते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दें। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चॉप की हुई प्याज। और प्याज को हमें ज़्यादा भुनना नहीं है, हल्का सा इसमें गुलाबी कलर आने तक इसे चलाते हुए पकाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्च डालने के बाद 1 मिनट के लिए चलाते हुए इसे पकाए। और 1 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई। और अब इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। और मसालों में डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा डाले इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे गरम मसाला, थोड़ी सी डालेंगे इसमें चिली फ्लेक। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी मसालों को डालने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब हम इसे लो फ्लेम पे चलाते हुए कम से कम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। बच्चों को टोमेटो केचप काफ़ी अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप इसमें डाल दें और इसे कर लें एक बार अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर और पनीर डालने के बाद इसे चलाते हुए एक बार अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर 1 मिनट के लिए पकने दें। और 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से पनीर और हमारा जो शिमला मिर्च हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छे से पक चुका है। तो इस पे गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और स्टफिंग बनके हमारा तैयार हो चुका है। और डो को 10 मिनट रखे हुए हो चुके हैं तो अब इसकी पीड़िया बना के तैयार करेंगे। और इस तरह से इसकी लोइया बना लें। और अब इसकी इस तरह से लोई बना के तैयार करें। और थोड़ा सा मैदा या फिर आप आटा एक चकले पे इस तरह से डालें और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। जैसे रोटियां बेलते हैं इसी तरह से इसे एक बार बेल इसके हम लच्छेदार पराठे बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से इसे बेल लें और इस पर हल्का सा लगा लें। आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं या फिर बटर, आपका जो मन करे इस पर इस तरह से लगा लें। और घी लगाने के बाद अब हम इसे करेंगे फोल्ड। और इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे आगे उठा के लेके जाएंगे और थोड़ा सा पीछे। तो इस तरह से इसकी लेयर बना के तैयार करें। और इस तरह से लेयर बनाने के बाद दोनों किनारों को पकड़ें और इस तरह से फोल्ड कर लें। और एक किनारे को सेंटर में रखें और हाथों से कर लें इसे प्रेस। हाथों से प्रेस करने के बाद चकले पर डालें थोड़ा सा आटा फिर से और एक रोटी की तरह इसे बेल लें। और इस तरह से मैंने पराठे को बेल लिया है। इसी तरह से सारे पराठे को बेल लें। और अब हम डाल देंगे पराठे को तवे पे और एक साइड से सिकने के बाद इसे पलट लें। और पलटने के बाद इस पे लगा दें ऊपर से घी। घी लगाने के बाद इसे पलटते हुए दूसरी साइड से भी इस पे घी लगाएं और अच्छे से दोनों साइड से इसे सेक लें। और ये लीजिए टेस्टी लच्छेदार पराठा बन के तैयार है। इसी तरह से बाकी पराठे भी बना के तैयार करें। और अब यहाँ पर लेंगे एक पराठा और इस पर लगा लेंगे हरे धनिया की चटनी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी स्पाइसी भी बन के तैयार होता है। तो आप इस पर हरे धनिया की चटनी लगाएं। और अब हम इस पर रख देंगे जो हमने स्टफिंग के लिए मिक्सचर बना के तैयार किया था वो। और साथ ही इस पर लगा देंगे थोड़ी सी मेयोनी और इस पर डाल देंगे थोड़ी सी प्याज की स्लाइस। और ये लीजिए पनीर रोल बन के तैयार है। इस तरह से आप इसे बटर पेपर से या फिर फॉइल पेपर से इसे कवर कर सकते हैं। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है तो आप इसे लंच बॉक्स में इसे दे सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक बार फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।